नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक बट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। हर दूसरे इंसान में कभी ना कभी ये प्रॉब्लम देखने को मिली ही होगी। उसका नाम है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया मतलब कि इनडाइजेशन, या आप बोल लें बदहजमी। तो ये किस कारणों से होता है, इनके क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं, इनकी क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, आज मैं आपको टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी इसकी, साथ ही साथ इनकी प्रिवेंशन के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें डिस्पेप्सिया क्या होता है, या इनडाइजेशन या बदहजमी क्या होती है। ये एक तरह का दोस्तों डिस्कम्फर्ट है, या एक तरह का आप पेन बोल लें। कहाँ होता है, आपके स्टमक के अपर थर्ड पार्ट में, मतलब ऊपर की साइड, यहाँ पे आपको पेन देखने को मिलेगा। क्यों? जब आपका स्टमक प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा हो, उसमें एसिड ज़्यादा बनने लग गया हो, एसिड रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हों, तो इस कंडीशन को हम डिस्पेप्सिया कहेंगे दोस्तों। ये बहुत ही कॉमन मिलता है, इवन फीमेल और मेल दोनों लोग इसमें इक्वली इफेक्टेड मिलते हैं। हर 4 में से एक इंसान को कभी ना कभी ये प्रॉब्लम हुई ही होगी दोस्तों। और ये पेन जो होता है आएगा चला जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कंटिन्यू बहुत तेज़ पेन हो रहा है, लेकिन पेन होता रहेगा, पेशेंट को फील होता रहेगा कि यहाँ कुछ डिस्कम्फर्ट मुझे हो रहा है दोस्तों। तो ये हो गए डिस्पेप्सिया के बारे में। अगर इसके कॉजेज़ के बारे में बात करें दोस्तों, तो मेनली 4 कॉजेज मैंने इसके लिए रखे हैं। 4 आप बोल लें, इसमें से एक तो ऐसा है जो एकदम अननोन है, कि किसी को नहीं समझ में आता कि आखिर ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम क्यों खड़ी हुई। नंबर 2 अगर हम बात करूँ कि स्टमक फंक्शन प्रॉपर नहीं हो तो भी ये सिचुएशन देखने को मिलती है। नंबर 3 अगर है कि अगर स्टमक अल्सर बन रहा हो, कि अंदर अगर आपके जो आमाशय स्टमक बोल लें, इसमें अगर छोटे छोटे अल्सर बनने लग गए हों तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नंबर 4 पॉइंट पे अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं दोस्तों, जैसे आइब्रोफेन हो गई, और भी कई मेडिसिन हैं, वो एस्प्रिन हो गई, ये सब, ये मेडिसिन जो हैं उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स अगर आप देखें तो उनमें ये देखने को मिलता है कि पेशेंट में डिस्पेप्सिया की सिचुएशन देखने को मिलती है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इनके साइन एंड सिम्टम के बारे में दोस्तों। नंबर 1 पेन और डिस्कम्फ इन चेस्ट। ऐसा लगेगा कुछ पिंचिंग, ऐसा पेन हो रहा है, पेशेंट को बहुत डिस्कम्फर्ट सा फील होगा कि हाँ मुझे बर्निंग सेंसेशन जैसा पेन है, या कुछ पेन जैसा चेस्ट में फील हो रहा है। नंबर 2 उसको बहुत ब्लोटिंग फील होगी, जैसे पेट एकदम जैसा लगेगा भरा भरा सा है, बहुत ही फूला फूला सा पेट महसूस होगा उसको। नंबर 3 नौजिया लगेगा, नौजिया मतलब मितली आना बोलते हैं, वैसे सेंसेशन लगेगा, लगेगा उसको वॉमिटिंग हो जाएगी अभी। कभी कभी किसी केस में तो पेशेंट को वॉमिटिंग हो भी जाती है दोस्तों। और हार्ट बर्न, जैसे ऐसा लगेगा सीने में एकदम अंदर से जलन हो रही है कुछ, जैसे बहुत ही मिर्ची वाली कोई चीज़ खाई और पूरा गला जल रहा हो, वैसी सिचुएशन बार बार लगेगी। और डकारें आएंगी, नंबर 5th पॉइंट डकार आएगी, खट्टी डकार भी आ सकती है और नॉर्मल भी डकार ऐसे आ सकती है दोस्तों। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो डिस्पेप्सिया में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, या उसको आप इनडाइजेशन बोल लें, या आप उसको बदहजमी बोल लें दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन में आज आपको टॉप 5 मेडिसिन बताऊंगी डिस्पेप्सिया की, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितनी भी मेडिसिन मैं आपको बता रही हूं, उन सभी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। सेकेंडरी जो भी मेडिसिन हैं उन सबके आप किसी भी होम्योपैथिक शॉप से खरीद सकते हैं। अगर रही कंपनी या ब्रांड के नाम, तो आप WSI, SBL या फिर शॉबे, इन सबकी ब्रांड की मेडिसिन खरीद सकते हैं। मैं यही मेडिसिन ब्रांड, इसी ब्रांड्स की मेडिसिन यूज़ करती हूँ दोस्तों, तो इनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो आप इनमें से कोई भी हो तो आप ले सकते हैं। वैसे और कुछ नई भी कंपनीज स्टार्ट हुई हैं, बट अभी मुझे उनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इसलिए उनको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। जो मैं यूज़ करती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। तो अब चलिए शुरू करते हैं। और जो भी सिम्टम्स मैं आपको अभी बता रही हूँ, जिन जिन मेडिसिन के जो जो सिम्टम हैं, जिसको जो मेडिसिन अपने से मैच करती हुई लगती है, या जिसके सिम्टम्स आप अपने अंदर महसूस करते हैं, वो दवाएँ आप ले सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली मेडिसिन अमोनियम म्यूर 30 पोटेंसी उन लोगों को सूट करेगी कि जैसे ही आपने खाना खाया आपको तुरंत पेट में दर्द होने लग जाए दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि खाना खाते ही पेट में ऐसी मरोड़ या अकड़न जैसी पेन हो रहा है, और साथ ही साथ
थोड़ी देर बाद आपको खाना मतलब पलट पलट के मुंह में आने लग जाए, पेन भी साथ में आपको मिले ही, नौजिया वॉमिटिंग मिले देखने को, ऐसा लग रहा है कि अभी इसकी वजह से आपको उल्टी हो जाएगी, साथ ही साथ ऐसा लग रहा हो कि कॉन्स्टिपेशन होने की टेंडेंसी रहती है लेकिन उसके एक दो दिन के बाद आपको फिर लूज मोशन भी होने लगे। तो कॉन्स्टिपेशन हो फिर लूज मोशन हो, कॉन्स्टिपेशन हो फिर लूज मोशन हो, ये अल्टरनेटिवली आप में बना रहे तो ये मेडिसिन आपको बहुत अच्छी सूट करेगी दोस्तों। तो अमोनियम म्यूर 30 पोटेंसी में इसकी दो दो बूंद दिन में 3 बार लें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। नंबर दूसरी मेडिसिन है एंटियम क्रूड। एंटियम क्रूड बहुत ही अच्छी डाइजेस्टिव रिलेटेड मेडिसिन मानी जाती है दोस्तों। उसका एक मेन पिक्यूलर सिम्टम मिलता है सबसे पहले कि आप टंग चेक करिए, अगर टंग ऐसी कोटेड दिखे कि सफ़ेद रंग की कोटेड टंग लगे, जैसा लग रहा किसी ने पेंट कर दिया हो उस पर सफ़ेद रंग का, ऐसी थिक कोटेड अगर टंग दिख रही है तो आप आँख बंद करके भी अगर एंटियम क्रूड दे देंगे तो वो उसको सूट कर जाएगी दोस्तों। सिम्टम्स मिलेंगे वो उसको खट्टी डकारें आ रही होंगी और फूड में पाइप में जैसे पानी पानी जैसा बार बार मुंह में आए, खट्टी खट्टी डकार है, मुंह में बार बार पानी आए, साथ में सारे डिस्कम्फर्ट जो मैंने कॉमन सिम्टम्स बताए हैं उनमें से सिम्टम्स आपको मिल ही रहे हैं, तो आप एंटियम क्रूड 30 पोटेंसी में दो दो बूंद दिन में 3 बार लें दोस्तों, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। नंबर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, कार्बोवेज वन ऑफ द टॉप रेमेडी जो गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेज में यूज़ होती है। आप इसमें ब्लोटिंग जैसा सेंसेशन रहे, पेट बहुत भरा भरा सा लगे, मरोड़ रहा हो, पेन और अब क्रैम्पिंग पेन भी लगे उसमें, साथ ही जो गैस भी बन रही हो पेट में, दर्द के साथ साथ आपको जो मोशन हो, इवन मोशन उस समय अगर आपको नॉर्मल भी हो रहा हो, लूज भी हो, लेकिन आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हो कि पेट एकदम भरा भरा सा मरोड़ता हुआ सा हो और साथ में गैस भी बन रही हो आपको, तो आप कार्बोवेज की 30 पोटेंसी दो दो बूंद दिन में 3 बार लें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट नंबर फोर्थ मेडिसिन नक्स मोमिका। नक्स मोमिका एक ये भी बहुत ही आपने देखा ही होगा, बहुत सारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, नक्स मोमिका बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस के लिए। अगर आपने आपको इनडाइजेशन के डिस्टर्बेंसेस मिले हैं कि आप बहुत स्पाइसी बाहर का खाना खा रही हो, साथ में आप अल्कोहलिक भी हों, तो इसको अल्कोहल लेने के बाद से आपको ये प्रॉब्लम्स बढ़ी हो, तो ये मेडिसिन आपको बहुत अच्छी सूट करेगी दोस्तों। पेट में आपको स्पाज्मोटिक पेन मिलेगा और क्रैम्प जैसा, जैसे मरोड़ रहा हो पेट बिल्कुल, ऐसा पेन हो रहा हो, अगर साथ में वॉमिटिंग भी लगे, वॉमिटिंग फील भी हो, और बहुत सारे पेशेंट में वॉमिटिंग हो भी जाती है, अगर वॉमिटिंग भी हो और कॉन्स्टिपेशन भी मिल रहा हो अगर आपको, और आपका जो कॉज है वो ये हो कि आपने बाहर का खाना खाया है या आप ओवर यूज़ ऑफ अल्कोहल की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही, तो आप नक्स मोमिका 30 पोटेंसी मिले, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। नंबर फिफ्थ मेडिसिन है पल्सा टीला। पल्सा टीला 30 पोटेंसी, ये मेडिसिन उन पेशेंट को बहुत अच्छी सूट करती हो जिन्होंने कुछ फ्राइड आइटम्स खाए हो या मीट खाया हो और उसके बाद उनको इनडाइजेशन वाली प्रॉब्लम या डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम या बदहजमी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी काम करेगी दोस्तों उनमें। इन 5 मेडिसिन के साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन बताऊंगी, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 25। ये मैंने इसीलिए फिफ्थ में ऐड करके आपको नहीं बताया, ये आप इनमें से जो सिम्टम्स आपको सूट करें उनके साथ आप सेपरेट भी लें, आपको फ्लैचुलेंस या एसिडिटी ये जितनी भी प्रॉब्लम है इनके साथ बहुत ही अच्छी काम करती है। सो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 25, उसकी 4-4 टैबलेट्स दिन में 3 बार लें, इनमें से जो मेडिसिन है उनके साथ साथ कम से कम 1 महीने तक लें दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये 5 मेडिसिन इनमें से जो आपको सिम्टम सूट करते हैं आप उनको ले सकते हैं। ये अब बात हो गई होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, अब हम चलते हैं बात करने प्रिवेंशन के बारे में। नंबर 1 पॉइंट, आप अगर स्मोकर हैं, आप स्मोक करते हैं तो उसको क्विट करें दोस्तों। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा ये डिस्पेप्सिया के कॉज करती है, तो अगर आप स्मोकर हैं तो आप स्मोकिंग छोड़ें। नंबर 2, कोई ऐसा खाना है जिसको खाने के बाद आपको इस इनडाइजेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो उन चीज़ों को खाना अवॉइड करें दोस्तों। नंबर 3 पॉइंट कि अगर एसिड रिफ्लेक्स डिजीज़ के बारे में जो अभी मैंने आपको बताया, अगर उनमें से वो बीमारी अगर आपको है, कम से कम सोने के 2 घंटे पहले अपना खाना ख़त्म करें, उसके बाद ही सोने जाएं दोस्तों। नंबर 4 पॉइंट, अपना स्ट्रेस लेवल कम
करें। बहुत बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस की वजह से भी ये इनडाइजेशन एसिडिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो अगर स्ट्रेस हो तो उसको कम करने की कोशिश करें। नंबर फिफ्थ पॉइंट कि अगर आप मेडिसिन खाते हैं तो अननेसेसरी मेडिसिन जैसे आइब्रूफेन है इसको ना खाएं, एस्प्रिन हो गई इसको ना खाएं, अगर आपको रिक्वायर्ड है तभी खाएं, अननेसेसरली आप मेडिसिन अवॉइड करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा सुझाव बहुत अच्छे लगे हों, आपको मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हों जो मैंने आपसे आज शेयर किए हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही जो बेल आइकन दिया हुआ है इसको ज़रूर प्रेस करें दोस्तों, ताकि आगे आपको जो भी मेरे वीडियोज़ अपलोड हों उनकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों।